जी क्या नहीं पूछिए कि कौन है ये। पूछने की क्या आवश्यकता है, हम बताते हैं गुरुजी आपका पुत्र है ये। पुत्र? हाँ पुत्र, आपका पुत्र कहाँ चला गया वो पिताजी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और ढूंढता ढूंढता थक गया और भूख भी बहुत लगी है। ये क्या है? ये रतन भरता है। और ये क्या है? ये दाल है वो देसी घी में चौकी। सारा भोजन भक्षण कर दिया, भस्म कर दी। नहीं नहीं गुरुजी, भस्म मत करना, और क्रोधित होने का भी कोई लाभ है नहीं। ये भोजन क्या, आज के बाद आपका सर्वस्व इसी का ही तो है, ये आपका उत्तराधिकारी है, आपका पुत्र। हाँ गुरुजी, जो आपने शमशान के निकट पेड़ के पास जो पपीता रखा था ना, उसी पपीते से प्रकट हुआ आपका पुत्र। जब जब चिपक जाओ अपने पिताजी से। पिताश्री, हमें पिताश्री, हम तुम्हारे पिताश्री कैसे हो गए? अरे गुरुदेव, आप मानते क्यों नहीं है, ये आपका ही तो पुत्र है। आपके व्यक्तित्व में जितने भी दोष नहीं, आपके व्यक्तित्व में जितने भी गुण हैं, वो समस्त इसमें विद्यमान है। ये क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, निकालो इस जीव को हमारी आवाज से। जीव भस्म कर दूंगा पिताश्री। हमें भस्म करेगा तू? नहीं नहीं, आप इन्हें ध्यान पूर्वक ही रखिए, इनके नए नक्श और सभी लक्षण स्वभाव की ही सदृश है, निश्चय ही हमारे पुत्र हैं। स्वामी माता से चिपक गया हमारा पुत्र। अरे अब मैंने क्या किया, मुझे क्यों मार रहे हो, तैयार तो हो जाने के लिए। अरे आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे अम्मा, अम्मा मेरी। गुरु माता, गुरु माता को पुत्र की प्राप्ति हो गई है, याद है? शिव 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 शिव, तो इसमें मेरा क्या अपराध है, जाकर उन्हें मारो, मुझे क्यों मार रहे हो? गुरु माता के कहने पर गुरुवर ने शमशान में जाकर बरगद के पेड़ के नीचे पपीता रखा था और बाबा के चमत्कार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। इतनी शीघ्र पुत्र प्राप्त हुआ है या वृक्ष से आम टपका है, क्या उपवास कर रही हो तुम भी, ऐसा कभी संभव हो सकता है भला? ये सब बाबा गंगू ग्रहण के कारण संभव हुआ है, हमने भी आपको अनानास दिया था ना और कहा था बरगद के पेड़ के नीचे जाके रखना। अवश्य दिया था, तो आपने रखा नहीं, रखा ना? रखा था शारदा। तो फिर हमें पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? मुझे कैसे ज्ञात होगा कि तुम्हें पुत्र प्राप्त क्यों नहीं हुआ, जाकर अपने उस नंगू पंगू चंगू बाबा से, गंगू गहन बाबा से पूछो जाकर, उन्होंने अवश्य कोई दूषित फल दिया होगा। बाबा गंगू गहन असत्य नहीं कहते, तू असत्य कह रहा होगा। अरे मैं, अम्मा अम्मा रुको रुको, अरे अम्मा रुको, मावा ये हमारा पुत्र कैसे हो सकता है, कहां हम ताड़ के वृक्ष समान, कहां ये आलू का पौधा, इतना छोटा है ये। गुरुजी पूर्ण रूप से विकसित कहां हुआ है, विकसित होने के बाद आपके जैसा ही दुष्ट, मतलब आपके जैसा ही हो जाएगा गुरुजी। हाँ देखिए, पता नहीं कौन सी विपत्ति हमारे घर में प्रवेश कर गई। अवश्य कोई पाखंडी, हाँ दुष्ट, हाँ कपटी, हाँ जो हमारा पुत्र होने का ढोंग कर रहा है। इसीलिए तो आपका पुत्र है गुरुजी, देखिए। अरे बरगद के वृक्ष के नीचे पपीता रखने से पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। निकाल निकालो इसे, निकाल, छूने स्वामी छोड़ेगा, स्वामी छोड़ेगा, छोड़िए सब। ये हमारा पुत्र है, आप हमारे पुत्र का त्याग कर रहे हैं, आप हमारी श्रद्धा पर अविश्वास दिखा रहे हैं, और ये हम कदापि नहीं देख पाएंगे। धरती माता, धरती माता, हमें अपनी गोद में सांस दो धरती माता, धरती माता। नहीं माता, नहीं माता, हमें छोड़कर मत जाइए माता, कितने कठोर परिश्रम से हमने आपको पाया है माता। माता रुक जाओ, नहीं माता रुक जाओ, माता रुक माता, नहीं पुत्र नहीं, अब हमें रोकने का प्रयास मत करो,
हमारे स्वामी हमारे प्रभु को हमारी श्रद्धा भी देते हैं। अब हमारे जीवित रहने का कोई नहीं आपको अधिकार। धरती माता अपनी धरती पर जाएगी, गुरु माता उसमें समा जाएगी। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। शांत वरुण माला, शांत। हमें स्वीकार है। क्या स्वीकार है स्वामी? ये जीव हमें पुत्र रूप में स्वीकार है। हमारी सौगंध? आपकी सौगंध। पिताजी आपने हमें स्वीकार कर लिया। स्वामी आपने हमें समय रहते रोक लिया, अन्यथा हम आप दोनों से बिछड़ने की असहय पीड़ा में डूब जाते। हम मुक्त हो जाते। आपको भी उतना ही दारुण दुख होता जितना हमें। अवश्य अवश्य पिताजी आपने हमें स्वीकार कर लिया। अरे इस भांति हमारे गले मत पड़ो। कैसा विचित्र जीव है। आपका पुत्र है गुरु जी। पिताश्री आप एक कार्य कीजिए, अभी तक हमारा नामकरण नहीं हुआ है, अब हमारा नाम रख दीजिए। हम परामर्श दे गुरु जी, इनका नाम होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? लंपटाचार्य। लंपटाचार्य नहीं, अरे बरगद के पेड़ के नीचे से प्रकट हुए थे, इनका नाम होना चाहिए बरगदाचार्य। अरे नहीं धनी, ये बच्चा पपीते के फल से प्रकट हुआ है, इसका नाम होना चाहिए पपीताचार्य। नहीं नहीं पुत्र, ये अभी बहुत छोटे हैं ना, इनका नाम छोटाचार्य ही श्रेष्ठ होगा। तो क्या कभी बड़ा नहीं होगा ये? चिंता ना करें प्रभु, जब ये बड़े होंगे तो इनका नाम परिवर्तित करके बड़ाचार्य रख देंगे। क्यों पुत्र आपको ये नाम रुचिकर लगता है ना? बहुत ही मधुर नाम है। क्यों पिताजी आपका क्या विचार है? हमारा साधना का समय हो रहा है। हमें भी साथ ले चलिए पिताजी। हटिए बैठिए, हटिए हटिए। माता पिताजी जा रहे हैं, हमें भी साथ जाना है। माता आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके पिताजी भी साधना के लिए गए, शीघ्र ही लौट आएंगे। नहीं हम जाएंगे पिताजी के साथ जाएंगे। गुरु भ्राता शांत, गुरु भ्राता शांत। हमें पता है आपके पिताजी कहाँ चले गए हैं, हम आपको बाद में वहाँ ले चलेंगे ना। अभी आप भोजन पे ध्यान केंद्रित कीजिए। चलिए भोजन करते हैं। देखो शारदा अम्मा, यदि तुम दोनों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर अपने बाबा से दूसरा फल लेकर आओ। मैं अपने प्राण संकट में डालकर आज रात्रि पुनः उसे उस पेड़ के नीचे रख कर आऊंगा। वो बाबा तो अपना डेरा तंबू उठाकर चले गए। चलो अच्छा हुआ, जाने दो अम्मा। कभी बरगद के वृक्ष के नीचे पपीता और अनानास रखने से पुत्र प्राप्त होता है भला? मेरा अंधविश्वास है। देखा देखा अम्मा, महान बाबा गंगूगण जो एक ही रात्रि में पपीते से पुत्र की प्राप्ति करा देते हैं, उनके लिए इनके मन में थोड़ी भी श्रद्धा नहीं है। ये असत्य कह रहे हैं अम्मा, इन्होंने तो अनानास रखा ही नहीं होगा, कुछ काट के खा गए होंगे। नहीं 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 अनानास खाएगा, ये सच में बोल तो आदित्य है। अम्मा ऐसे ये भी खा गए होंगे। अम्मा आज इनके कारण हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई और आप दादी बनने से वंचित रह गए। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। द्वार खोलो देवी। नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। मेरी सौदामिनी, ऐसा क्या अपराध कर दिया है हमने जो इतना द्वार विदारक हृदय विदारक दंड दे रही हैं आप हमें? हम आपकी चिकनी बातों में नहीं आने वाले। तो चुपड़ी बातों में आ जाओ ना। आपने तो कहा था आप केवल हमसे प्रेम करते हैं। सत्य है? तो अब ये आपका पुत्र कहाँ से आ गया? ये समाचार यहाँ तक पहुँच गया? देवी सौदामिनी हम क्या बताएं आपको, पता नहीं कहाँ से ढोंगी टपक पड़ा हमें पिता कहने लगा। आप चिंतित ना हो, हम शीघ्र इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। अब बस द्वार खोलिए। हमें आश्चर्य नहीं, जिस तरह आपकी हरकतें हैं ना, ना जाने इस नगर में आपके कितने पुत्र खेल कूद रहे होंगे। हाँ वो तो है,
परंतु हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं कम से कम ये पुत्र हमारा नहीं है। वो तो हम वरुण माला का मन रखने के लिए बरगद के वृक्ष के नीचे पपीता रखाए थे। हम बहुत दुखी हैं। अब तो हम दरवाजा कदापि नहीं खोलेंगे। हाँ देवी सरदा, हमने द्वार खोलिए। हम आपके कंधे पर सर रखकर अपना दुख कम करना चाहते हैं, तनिक विश्राम करना चाहते हैं। क्या करते गुरुजी, इन्होंने हट पकड़ ली कि यहाँ आना ही आना है। तो हम आपके बुढ़ापे में हुए प्रथम प्रिय पुत्र को मना नहीं कर पाए गुरुजी। दोनों को तो हम बाद में देखेंगे। हाँ पिताश्री, आपकी अभिलाषा ये द्वार खुलवाने की है ना? अवश्य अवश्य, प्रयास तो यही कर रहे हैं। चलिए हट जाइए। क्यों हटिए? पिताजी, हमें माता मिल गई, हमें पिता भी मिल गए, और आपके कारण हमें बहन भी मिल गई। कितनी सुंदर है ना हमारी बहन। आप नहीं नहीं, ये तुम्हारी बहन नहीं है छोटू चारे। तो फिर ये देवी कौन है? मैं बताता हूँ। ये सौदामिनी देवी है। ये तो हमारी हमारा कहने का तात्पर्य है विजयनगर की राजनर्तकी। राजनर्तकी? परंतु आप तो कह रहे थे कि आप साधना करने जा रहे हैं। अवश्य अवश्य, वही तो हम करने आए थे। नहीं अर्थात करने जा रहे थे। तो फिर आप यहाँ इनके द्वार पे कैसे? वो क्या है कि वो क्या हुआ कि हमारा द्वार बाहर से बंद हो गया और हम सहायता के लिए पुकार रहे थे, तो हमारी पुकार सुन के ये यहाँ आ गए और आपने हमारी सहायता इस तरह से कर दी। तो फिर इसमें इतना खुश होने की क्या बात है देवी सौदामिनी? छोटू चारे चलो घर चलो। अरे परंतु आपको तो साधना है तो प्रस्थान करना था ना। हाँ। तो हमें भी साथ ले चलिए, हमें भी सिखाइए साधना। छोटू चारे, आप बालक, जब आप व्यस्क हो जाएंगे तो हम आपको साधना की प्रक्रिया समझाएंगे। चलो अब घर चलो। जाइए और फिर दोबारा इस द्वार पे कभी मत आना। हाँ। वो इसलिए कि अब समस्या सुलझ गई है ना, इसीलिए। छोटा चारे, अब तुम तुरंत यहाँ से घर की ओर प्रस्थान करो। परंतु हम अकेले कैसे जाएंगे? जैसे हम जाते हैं। आप तो बड़े हैं और हम बालक है, हम आपके साथ जाएंगे। हमें दरबार जाना है। हम भी जाएंगे? नहीं। अरे हम भी जाएंगे साथ में, हमने कभी राज दरबार नहीं देखा। राज दरबार में बालकों का जाना वर्जित है। छोटा चारे, अभी आप बालक हो, जब बड़े हो जाओगे तत्पश्चात ले चलेंगे। निडर है, निडर जी। चलो चलेंगे जी। जी गुरु जी। प्रणाम आचार्य। हाँ प्रणाम प्रणाम आचार्य। सुना है कि सावधान सावधान
एक शब्द भी कहा तो भस्म कर देंगे, आजीवन तोता बनाकर रखेंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं सुना। महाराज कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। गुरुवार जी, आजकल समस्त विजयनगर में चर्चा है कि असत्य है महाराज, लोगों को व्यर्थ प्रणाम करने के अतिरिक्त और कोई कार्य है नहीं। महाराज वो वरुण माला को प्रसन्न करने के लिए हम वो पपीता बरगद के नीचे रख कर आए, बस। अब बताइए पपीते से भला कोई बालक उत्पन्न होता है? गुरुवार तो बरगद का पेड़ बालक पपीता, क्या कह रहे हैं आप, हम समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज अभी आप कह रहे थे कि समस्त विजयनगर में चर्चा है कि आप भोज की चर्चा है। भोज? हाँ गुरुवर, हमने सुना है कि आपने किसी भोज का आयोजन किया। गुरु माता स्वयं आई थी महारानी चिन्ना देवी और महारानी तिरुमलम्बा को आमंत्रित करने के लिए। तो फिर ये पपीता और बालक कहां से आ गए? हाँ भोज है ना महाराज, तो भोज के लिए हमने पपीते को आमंत्रित, बालकों को आमंत्रित किया। गुरु माता ये भी कह रही थी कि इस भोज का आयोजन किसी विशेष प्रयोजन से हो रहा है गुरुवर, तो हम जानना चाहते हैं कोई शुभ समाचार। महाराज आप तो भली भांति जानते हैं कि वरुण माला हमारी धर्म पत्नी है, तो विजयनगर की सुरक्षा उन्नति और विकास के लिए वो बहुत से व्रत रख लेती हैं, अनुष्ठान कर लेती हैं। तो ऐसे ही कोई व्रत रख लिया होगा और ईश्वर ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी होगी, तो रख लिया भोज। अद्भुत अद्भुत, अत्यंत प्रसन्नता का अवसर होगा, हम सब परिवार अवश्य पधारेंगे। अहो भाग्य हमारे महाराज। मंत्रीवर। महाराज आज के दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज हम ये तू यहां क्या कर रहा है? जी आचार्य हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हम यहाँ के महामंत्री हैं, यदि आपको कुछ बोलना है तो आप बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। नहीं नहीं आप अपनी कार्यवाही प्रारंभ कीजिए। महाराज हम ये कहना चाहते थे कि तुरंत घर जा तू। जी घर जा तू? हम आपसे नहीं उससे कह रहे। गुरुवर आप बड़े, आप मुझे तू घर जा बोल सकते हैं, परंतु आप मुझे घर क्यों भेजना चाहते हैं? दरबार की कार्यवाही तो अभी अभी आरंभ हुई है ना। गुरुवर आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? जी 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 जी, जी, जी महाराज हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। बाहर जा, हिलना मत। मैं कहाँ हिल रहा हूँ आचार्य? वो तो मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरा पेट हिल रहा है। गुरुवर क्या हो रहा है आपको? भाइयों पकड़ो इसे। समीप में करना, अन्यथा अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर देंगे। भस्म कर दूंगा, अब तक इसका पिता तो किसी को भस्म कर नहीं पाया, पुत्र भस्म करेगा। ढोंगी पिता का ढोंगी पुत्र। आदेश दिया था ना घर जाने के लिए? क्षमा करें, हमसे त्रुटि हो गई पिताश्री। पिताश्री? पिताश्री? बधाई हो आचार्य। गुरुवर
कौन है ये बालक? और ये आपको पिताश्री कहकर संबोधित क्यों कर रहा है? ओह, तो ये गुरुवार का पुत्र है जिसके बारे में मां शारदा ने बताया था।